सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। होप सो आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो मैं अभी जा रहा हूँ घर की ओर, तो और थोड़ा जल्दी से निकलना पड़ा यहाँ से। अभी मैं पहुँचा हूँ छानापुरक। तो अभी जो व्लॉग बनने जा रहा है, मैं अभी पहले पिक करने जा रहा हूँ टायर जो है वो पहुँच गया है घर, मतलब घर से थोड़ा दूर है, 2-3 किलोमीटर, वो मैं पिक करने जा रहा हूँ अभी। तो जो मैंने पिछली वीडियो में बोला था आप लोगों को कि मैंने जो टायर ऑर्डर किया है वो आज पहुँचा है, लगभग 7-8 दिन के बाद। 20 को मैंने किया था वो बुक, तो 21 को वो वहाँ से निकला था, तो आज वो पहुँचा है यहाँ पे। थोड़ा सा टाइम भी लग गया उसको पहुँचने में, क्योंकि वो जिस गाड़ी में था वो बार बार डिले हो रही थी गाड़ी। और अभी मैं जो जा रहा हूँ घर की ओर, टायर रिसीव करना है मुझे, तो दिखाते हैं आप लोगों को। मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अभी, मतलब नया टायर देखने को मिल रहा है बाइक में, जो इसमें अभी टायर इसकी ग्रिप जो है वो ख़त्म हो गई है, बस थोड़ा थोड़ा ग्रिप बचा है इसमें, यही 30-40% बचा है इसमें अभी ग्रिप। तो मैंने सोचा टायर जो है वो चेंज कर लूँ, क्योंकि जो इस टाइम है ये रिसिक पे चल रहा है अभी, और जो ब्रेक वेक लगाते हैं इसमें तो पीछे की ब्रेक देने से मैं डर रहा हूँ। रीज़न ये है कि अभी उसमें इतना ग्रिप नहीं रहा है, तो टायर जो है वो प्लेन हो गया है, साइड में ग्रिप बचा है थोड़ा, तो वो भी दिखाते हैं आप लोगों को वीडियो में। और इसमें जो टायर दूसरा डालने जा रहा है 180mm का, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे, और उसका लुक भी दिखाएंगे आप लोगों को, कैसा लगता है इस वाली बाइक में वो वाला टायर, सुपर बाइक का टायर लगवाएंगे इसमें। तो वीडियो पे बने रहेगा, वीडियो मज़ेदार होने वाली है। बहुत दिनों से मैं इस दिन का इंतज़ार कर रहा था, टायर कब आ जाएगा, टायर कब आ जाएगा, तो आखिरकार टायर आ ही गया। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से, अभी मैं पहुँचा नौगाम, नौगाम से मैं लूँगा राइट साइड। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मतलब नया टायर देखने को मिल रहा है यार, मतलब जब कोई चीज़ डलवाते हैं नहीं तो अलग सी खुशी मिलती है अंदर से। तो और जो मेरी चैनल पे यूनिक व्यूअर्स है, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते जाए, तो रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो गाइस ये आ गया है टायर, आप देख सकते हैं यहाँ पे डिलीवर हो गया है यहाँ पे। अभी ये देख सकते, ये देख लीजिए, अभी पैक नहीं खोला है इसका, तो अभी आपको खोल के दिखाएंगे और लगा के भी दिखाएंगे। ये इसका जो है पुराना वाला टायर है, इसमें आप ग्रिप देख सकते हैं, कुछ भी ग्रिप नहीं बचा इसमें। और ये इसका नया वाला एवन का है। तो गाइज अभी मैं जा रहा हूँ टायर बदलवाने इसको, तो ये मैंने इस पर टायर रखवाया अभी, तो अभी अकेले जाना है तो इसके लिए कोई बंदा नहीं है मेरे साथ, तो वीडियो पे बने रहेगा, दिखाते आप लोगों को। तो अभी जो है बाइक खोली गई यहाँ पे, तो इसके पास जैक नहीं था तो वो लगाया अभी।
जोन किंग जोन बुलाओ ये बॉय तुम तेरे फोन है हेलो सलाम वालेकुम अच्छा भाई ठीक हो पता नहीं टायर में क्या प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे यहाँ से टायर बाहर नहीं आ रहा है ये देख सकते हैं आप इसमें टायर लग गया ये इसका पुराना टायर है इसका ग्रिप ख़त्म हो गया था और इसकी वजह से मैंने इसमें ट्यूब लगा के रखा था तो इसकी वजह से ट्यूब लगाना पड़ा इसमें मेरे जो एयर है वो लीक हो रहा था तो अभी जो है इसमें मैंने इसको फिर से मैंने ट्यूबलेस बनाया है अभी तो ये आप देख सकते हैं M1 का टायर 180 mm का ये कितना ब्रॉड है ये हाथ में भी नहीं आ रहा है अभी तो इसमें जो लीन है मतलब पूरा 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा इसमें लीन में तो अच्छा लीन हो जाएगा इसमें ये आप देख सकते हैं मतलब यहाँ से यहाँ तक बाइक लीन कर सकती है मतलब कि कुछ बोलने की बात ही नहीं है ये देखिए कि मतलब गजब का लुक आ रहा है बहुत अच्छा व्यू आ रहा है तो गाइस ये आप देख सकते हैं मतलब टायर चेंज करने के बाद का लुक कितना अच्छा लुक आ रहा है इसका इस टायर से मतलब बहुत ज़्यादा ब्रॉड है ये देख लीजिए तो नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को इसका रिव्यू दिखाएंगे इसका जो माइलेज चेक करेंगे और पिकअप इसका देखेंगे और इसमें कितनी जगह रह गई है वहाँ से तो वो भी दिखाएंगे आप लोगों को ओके आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।